I mean, I say hats off to Akshay Kumar. He could have easily taken an easy route. तो दोस्तों, बड़े मियां छोटे मियां का बॉक्स ऑफिस पर तूफान कायम है और नॉन हॉलीडे होने के बावजूद सोमवार को फिल्म ने एक अच्छा कलेक्शन कर लिया है। जी हां, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 11 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। बता दें कि इस फिल्म के साथ ही अजय देवगन की फिल्म मैदान भी रिलीज हुई थी, लेकिन लगता है कि इस बार अजय देवगन अपना जादू बॉक्स ऑफिस पर चला नहीं पा रहे हैं। अक्षय कुमार और टाइगर अजय देवगन की फिल्म मैदान को मात देते आगे निकल गए। फिल्म को रिलीज हुए 4-5 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने अब तक शानदार कलेक्शन कर लिया। चलिए जानते हैं कि अब तक फिल्म ने कितनी कमाई की है। बड़े मियां छोटे मियां ने पहले दिन इंडिया में 15,65,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। दूसरे दिन फिल्म ने 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वही तीसरे दिन फिल्म ने 8,50,00,000 रुपए कमाए। वही चौथे दिन की बात करें तो फिल्म ने चौथे दिन लगभग 9 करोड़ रुपए की कमाई की। वही पांचवे दिन एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां 2,50,00,000 का कलेक्शन कर रही है। वही रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म छठे दिन भी ठीक ठाक कमाई कर रही है। अपने 6 दिन इसी हिसाब से टोटल कलेक्शन की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ बड़े मियां छोटे मियां अक्षय कुमार के 3 दशक के करियर की 17वीं 100 करोड़ी फिल्म बन गई है। सबसे ज्यादा 100 करोड़ी मूवी करने का खिताब सुपरस्टार सलमान खान के नाम है और अक्षय कुमार ने इस लिस्ट में सलमान खान की बराबरी कर ली है। बात करें बड़े मियां छोटे मियां की तो दर्शकों को बॉलीवुड के 2 एक्शन हीरो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी पसंद आ रही है। फिल्म में दोनों ने शानदार स्टंट किए हैं। वैसे आप क्या कहना चाहते हैं फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आप भी खिलाड़ी कुमार डाईहार्ट फैन है तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।